हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सोनालिका सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, महेश्वरी गर्ल्स पीजी कॉलेज, प्रतापनगर, जयपुर। इस लेक्चर में आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म एंड ओवम। हम सब जानते हैं कि गैमेटोजेनेसिस के अंदर जो फॉर्मेशन होता है उसमें स्पर्म्स और ओवम्स का फॉर्मेशन होता है, तो उसके अंदर आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म एंड ओवम। तो स्पर्म जो होता है उसका नाम किसने दिया था, वॉन वेयर ने। स्पर्म एंड ओवा के बारे में उन्होंने बताया, तो उन्होंने बताया था कि हेड न्यूक्लियस और टेल तीन पार्ट्स के अंदर स्पर्म डिवाइड होता है और स्पर्म होता है फ्लैजेलम। हेड का जो पार्ट होता है दैट इज हेड हाफ ऑफ द स्पर्म ओवा, मोस्ट पार्ट ऑफ द हेड इज ऑक्यूपाइड बाय स्ट्रक्चर एक्रोसोम। हमें पता है कि जो स्पर्म का फ्लैजेलम होता है उसमें सबसे अगर ऊपर अपन देखेंगे तो वो स्ट्रक्चर ऑफ एक्रोसोम होता है, जो कि मेनली रिएक्शंस के काम में आता है और पेनिट्रेशन के काम में आता है। और सबसे ज़्यादा जो पार्ट होता है स्पर्म के अंदर वो एक्रोसोम का पार्ट ही होता है। ये एक्रोसोम जो होता है तो पेनिट्रेट करता है एग मेम्ब्रेन एंड अलाउ स्पर्म टू कॉन्टैक्ट विद एग साइटोप्लाज्म। यही एक्रोसोम पेनिट्रेट करता है एग के अंदर और वहाँ पर एग साइटोप्लाज्म में एंट्री करके फॉर्मेशन करना शुरू करता है। एक्रोसोम जो होता है वो बनते किससे है, दिस इज मेड अप ऑफ गॉल्जी बॉडीज बाउंड बाय यूनाइटेड मेम्ब्रेन्स। न्यूक्लियस होता है इसके अंदर, हमको पता है कि न्यूक्लियस किस काम में आता है, न्यूक्लियस के अंदर ही सारे न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं जो कि आपका आगे जो कैरेक्टर्स हेरिटेबल कैरेक्टर्स होते हैं उनको पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स के अंदर डिवाइड करने के लिए काम में आता है, जहाँ पे सेलुलर डिफरेंशिएशन भी होते हैं, प्राइमरी कैरेक्टर्स जो भी होते हैं एम्ब्रियो या ऑफस्प्रिंग के अंदर, वो सारे के सारे न्यूक्लियस पर डिपेंड करते हैं। जितना न्यूक्लियस के अंदर कैरेक्टर्स जो होंगे, न्यूक्लिक एसिड्स जो होगा, वहाँ पे डीएनए आरएनए जो होगा न्यूक्लियस के अंदर, वही ऑफस्प्रिंग्स के अंदर जाकर के डिवाइड होगा। देन उसके बाद में इन्हें स्टार्टिंग के अंदर जब इस वक्त की अगर अपन बात करते हैं तो प्रॉक्सिमल सेंट्रोल इसके अंदर होता है। ये प्रॉक्सिमल सेंट्रोल जो होता है यहाँ पर एप्रोच सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और प्रॉक्सिमल सेंट्रोल जो होता है सेल डिवीजन में फर्टिलाइज एग जो होता है वहाँ पर प्रॉक्सिमल सेंट्रोल एक होता है और एक होता है डिस्टल सेंट्रोल। डिस्ट्रल सेंट्रल अराइजेज एक्सिल फिलामेंट एंड टेल फ्रॉम बेसल ग्रैन्यूल ऑफ एक्सिल फिलामेंट। अब यहाँ पर जो है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। फर्टिलाइजेशन हमको पता है, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ टू टाइप ऑफ सेल्स, दिस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। मतलब फ्यूजन ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेल्स का मतलब ये होता है स्पर्म और ओवम का जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो स्पर्म और ओवम, हैप्लॉइड स्पर्म, हैप्लॉइड ओवम और दोनों का जब फर्टिलाइजेशन होता है तो दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन एंड जाइगोट का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है और आगे जाकर के इसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट्स होते हैं। यहाँ पर दो तरीके के फर्टिलाइजेशन होते हैं, जैसे फर्स्ट है साइटो फर्टिलाइजेशन। साइटो फर्टिलाइजेशन आपको पता है क्या होता है, जब सेल्यूलर टिश्यूज़ का फर्टिलाइजेशन आपस में होता है मेल और फीमेल के अंदर तो दैट इज नोन एज साइटो फर्टिलाइजेशन। और अगर इसी के अंदर हम कैरियोगैमी पढ़ेंगे, कैरियोगैमी क्या होता है, जब न्यूक्लियस का फर्टिलाइजेशन होता है दोनों ही स्पर्म और ओवम्स के अंदर तो दैट इज नोन एज आपका न्यूक्लियर होंगी कि व्हाट इज साइटो फर्टिलाइजेशन एंड व्हाट इज मीन बाय न्यूक्लियर फर्टिलाइजेशन। इसके बाद में हम पढ़ेंगे आइसोकैमी और non-similar
गैमेट्स होते हैं वो सिमिलर नहीं होते हैं, तो आइसोगैमी में गैमेट्स ऑफ सम साइज बिहेवियर एंड प्रोटोजोआ के अंदर क्या होता है, गैमेट्स होते हैं। यहाँ पर जैसे जानते हैं होता है प्रोटोजोआ के अंदर कि यहाँ पर जो भी गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन होता है सारे सिमिलर गैमेट्स होते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए, सेम साइज के और बिहेवियर के गैमेट्स होते हैं। जबकि अनआइसोगैमी के अंदर क्या होता है, डिफरेंट साइज ऑफ गैमेट्स होते हैं, अनआइसोगैमी के अंदर डिफरेंट साइज ऑफ गैमेट्स होते हैं, उनका अपना बिहेवियर भी चेंज होता है, शेप भी चेंज होता है, जैसे कि प्रोटोजोन्स के अंदर और मोनोसिस्टिस के अंदर। यहाँ पर ये जिसका एग्जाम्पल आएगा वो आएगा प्रोटोजोन्स, इसके अंदर आपका होगा अनआइसोगैमेट्स। नो यूनियन ऑफ साइटोप्लाज्म, यहाँ पर साइट है, इंटरनल स्पर्मेटोजोआ आर इंटरनली डिपॉजिटेड द मेल इन द हेल्प ऑफ कॉपुलेटरी ऑर्गन्स। इनसेमिनेशन, अब इनसेमिनेशन का प्रोसेस क्या होता है, इनसेमिनेशन जो होता है जब स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है बॉडी के अंदर, लेकिन उसका जो इनसेमिनेशन हो रहा है मतलब एंट्री जो होनी है बॉडी के अंदर होनी है फर्टिलाइजेशन के लिए, दैट प्रोसेस इज नोन एज इनसेमिनेशन। जिसमें दो तरह के इंसेमिनेशन होते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी होता है। इंसेमिनेशन का मतलब होता है एंट्री ऑफ स्पर्म इनसाइड द फीमेल बॉडी, दिस इज नोन एज इंसेमिनेशन। स्पर्मेटोजोआ आर इंटरनली डिपॉजिटेड इन द मेल बाय द मेल विद द हेल्प ऑफ कॉपुलेटरी ऑर्गन। अब यहाँ पर यह है कि स्पर्म्स का फॉर्मेशन तो हो रहा है, एंट्री ऑफ स्पर्म हो भी रहा है इनसाइड द फीमेल बॉडी, लेकिन कौन सा ऑर्गन है जो यहाँ पे कॉपुलेशन के काम में आ रहा है, जो कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है उसके थ्रू कैपुलेशन होता है, कॉपुलेटरी ऑर्गन के थ्रू फीमेल बॉडी के अंदर स्पर्म्स का डिपॉजिशन होता है, दैट इज नोन एज इनसेमिनेशन। एक्सटर्नल आउटसाइड द बॉडी इन H2O मेल एंड फीमेल रिलीज स्पर्म्स एंड ओवा किलियोस एंड फिशेस के अंदर। अगर अपन बात करें कि डेवलपमेंट की जो फर्टिलाइजेशन की साइट कौन सी है, साइट पे अगर अपन जाते हैं तो हम फर्टिलाइजेशन जो हो रहा है वो पानी के अंदर होता है। साइट ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए अगर अपन बात करें, इसमें साइट ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, क्योंकि हमने स्पर्म्स की बात की तो स्पर्म का स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पर फिनिश हो जाता है। उसके बाद हमने बात की कि आइसोगैमस क्या होते हैं, एनआइसोगैमस क्या होते हैं, स्पर्म्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इनसेमिनेशन कैसा होता है, कॉपुलेटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं जो कॉपुलेशन के काम में आते हैं, देन हमने इसके बाद में पढ़ा है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है एंड व्हाट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। अब इसके बाद में हम ये पढ़ेंगे साइट ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। साइट ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर अपन पढ़ेंगे कि चार तरीके के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की साइट्स होती हैं, जिसके बेसिस पे हम ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग तरीके से डिवाइड करते हैं। जैसे फर्स्ट है आपका ओवीपेरस, सेकंड है आपका ओवोवीपेरस, थर्ड है आपका वीवीपेरस। ठीक है, तो दीज आर साइट ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जो कि थ्री साइट ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट्स होती है। अब ओवीपेरस के अंदर आउटसाइड होता है, जैसे कार्टिलेजस फिशेज होती हैं, कंप्लीटली बाहर अगर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है तो दैट इज नोन एज ओवीपेरस। बॉडी के अंदर अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है और बॉडी के अंदर भी डेवलपमेंट और ग्रोथ हो रही है एम्ब्रियो की, लेकिन कोई भी उसको न्यूट्रिशनल डेवलपमेंट वहाँ से नहीं मिल रहा है, ये बॉडी के अंदर से कोई भी न्यूट्रिटिव रिलेशनशिप मदर बॉडी के साथ में नहीं है, तो उस तरीके के एनिमल्स होते हैं वो कहते हैं ओवोविविपेरस। एंड एट द सेम टाइम विविपेरस एनिमल्स कौन से होते हैं जिसमें फर्टिलाइजेशन तो हो रहा है लेकिन डेवलपमेंट भी फीमेल बॉडी के अंदर ही हो रहा है, और एम्ब्रियो जो है वो हर तरीके से फीमेल बॉडी के ऊपर, ये मदर बॉडी के ऊपर, ये मैटरनल टिश्यू के ऊपर डिपेंडेंट है। प्रोटेक्टिव रिलेशनशिप भी है उनका, फूड और फीडिंग का रिलेशनशिप भी है, रेस्पिरेटरी रिलेशनशिप भी है उनके साथ में। तो ऐसा जो डेवलपमेंट होता है यूथेरियन मैमल्स के अंदर ऐसा होता है, जैसे हम लोग हैं
यूथीरियन मैमल्स। तो हमारे अंदर क्या होता है कि जब भी डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का, तो हमारी बॉडी के अंदर डेवलपमेंटल प्रोसेसेस तो होते ही हैं, लेकिन हमारा ये जो एम्ब्रियो होता है यूथीरियन मैमल्स का, वो फीमेल बॉडी के ऊपर पूरा डिपेंडेंट होता है, चाहे वो प्रोटेक्टिव वे में हो, चाहे वो आपका रेस्पिरेटरी फंक्शंस के लिए हो, चाहे वो एक्सक्रीशन के लिए हो, चाहे वो न्यूट्रिशन के लिए हो, सब चीज़ों के लिए वो डिपेंडेंट रहता है। तो इसी साइट ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बेसिस पे हमने इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, रीड दिस वीडियो केयरफुली एंड शेयर इट एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू।